रीमा मैं धरती पे तो आ गई हूँ, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मैं धरती पे करूँ क्या। आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? सोनपरी, मैंने तुम्हें यहाँ धरती पे इसलिए भेजा है क्योंकि धरती पे वो आ चुकी है। परीमा, वो आ गई है, इसका मतलब कहीं सबरीना चुड़ैल तो धरती पे नहीं आ गई? हाँ सोनपरी, वो आ चुकी है। ठीक है परीमा, मैं धरती पे आ चुकी हूँ, इसका मतलब कि अब बच्चे सुरक्षित हैं। मैं सबरीना चुड़ैल को बच्चों को बुरा होने नहीं दूंगी। शुक्रिया परीमा, आपने मुझे काम सौंपा है, तो मैं ये अच्छे से और पूरा करके ही वापस लौटूंगी। अब बच्चे चिंता नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सोनपरी आ गई है। मैं आ गई। सबरीना चुड़ैल इस धरती पे आ गई। अब मचेगा तंग क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ। अब किसी के भी चेहरे पे हंसी नहीं दिखेगी सिवाय मेरे। मैं पतालों का दरवाजा तोड़ के सारे हेवन के राजाओं को बुद्धू बना के धरती पे आ गई। क्या होगा इस पृथ्वीवासियों का? छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे करके मैं खा जाऊंगी और उनकी सारी हंसी अपने साथ ले जाऊंगी। छोटा बच्चा रो रहा है, पर रो कहाँ से रहा है? अरे मेरे बाल उसके तो पंचर हो गए। मम्मी मुझे मिलने नहीं दिलाएंगी। भाई रो क्यों रही है? अच्छा मुझे लगता है इसका बार्बी हाउस टूट गया। अरे काश मैं उसके पास जाके ठीक कर पाती, पर कोई नहीं, सोनपरी है साथ तो डरने की क्या बात, मैं तो यहीं से भी ठीक कर सकती हूँ। इत्तू बित्तू चिम्पटूता। ये छूट भी गया, ये छूट कैसे गया? लगता है कोई एंजल आई होगी, उसने मेरी मदद करी होगी। थैंक यू सो मच, अब घर पे जाके इससे खेलूंगी। तो देखो कितने प्यार से हंस रही है, बच्चे हंसते ही अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। ये बहुत हंस रहा है बच्चा, अभी इसी से शुरुआत करती हूँ। अभी ये क्या हो रहा है? अरे क्यों मुझ पे लग रही है? मैं खुद को क्यों मार रहा हूँ? इतना दर्द हो रहा है मम्मी। आ लग गई लगी हो। Ha 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 ha
मेरे तो पैर जमीन पे ही नहीं पहुंच रहे, कैसे झूला झूलूं? परिजन को बोलती हूँ। अबे ओए परिजन यार मेरी मदद करना यार, मैं देखी कब तो झूला झूल रही पर मेरे पैर जमीन पे नहीं पहुंच रहे, मैं धक्का ही नहीं मार पा रही। मुझे झूला झूला देना, धक्का मारेगा। ओ बेचारा बोनी झूला नहीं झूल पा रहा है, चलो मैं झूला देता हूँ। कितने मजे से खेल रहे हैं ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। अबे जरा इन्हें असलियत का झूला झूलाते हो, फिर इनकी आंखों में आंसू लाती हो। झूला झूलाना ही नहीं था तो पहले नहीं भोग सकता था, मुझे इतनी जगह चोट लग गई है तो बहुत बुरा है। देखो कैसा रो रहे हैं, जब भी रोते हैं मुझे अलग ही खुशी मिलती है। अबे यार सच में मैं तुझे गिराना ही नहीं चाहता था, पर एकदम से पता नहीं क्यों तुझे गिरा दिया। मैं यार अदिति माफ कर दो। देख रही हूँ पता लोग की मलिका, फिर में आकर मैंने कैसे आतंक मचा दिया है, आपका नाम रोशन कर दिया है। सबरीना तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से, तुम जब हेवन में थी तब भी यही करती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। तुम कितना बुरा कर रही हो बच्चों के साथ, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें क्या मिल जाता है ये सब करके। अरे 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 जरा देखो ये पृथ्वी पे कौन आई है, छोटी सोन परी अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने। मुझे परी माँ ने इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारी बुराइयां मैं खत्म कर सकूं, और अब देखना तुम जिस स्पीड में यहाँ आई हो ना उसी स्पीड में तुम वापस नर्क चली जाओगी, पता लो जहाँ से तुम आई हो, समझ गई? अच्छा इतना घमंड है तुझे अपने आप पे, देखते हैं कि तू इन बच्चों को मुझसे बचा पाएगी या नहीं, पर उससे पहले तू मुझे पकड़ पाएगी या नहीं। तुम चली गई, जहां जहां जाओगी वहीं पीछे पीछे चली आऊंगी मैं भी। क्या है परिजन, क्यों है मेरे घर पे? मेरे को चोट पहुंचा के तेरे दिल में तसल्ली नहीं हुई है ना, इसलिए मुझे और मारने आया। ले मार मार, तो हमारे मुंह पे मारेगा या मारेगा। हाय अदिति, तू मेरे से गुस्सा है क्या? वो पार्क में ना गलती से मेरे से धक्का लगा था तुझे, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना प्लीज। अबे यार अदिति तू तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तुझे पता ही है ना मैं तुझे जान पूछ के चौथ तोरी पूछवाऊंगा, प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज प्लीज अपने चौथे से दोस्त को माफ करो प्लीज। सही है बेस्ट फ्रेंड है तो मार दे। खैर मुझे भी पता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड ना कभी भी एक दूसरे को हर्ट नहीं करते, तो मैं तुझे माफ करती हूँ। मेरे घर में ना हलवा पूरी और छोले भटूरे बहुत सारी चीजें बन गया, खाएगा क्या? हलवा पूरी अभी आ गया। अच्छा फिर अंदर आ जा, चलिए बाकी आइए बाकी। चल चल ये क्या देख रही हूँ मैं, इन दोनों की दोस्ती हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है जब मैं यहाँ पे हूँ तो। अभी इनकी लड़ाई करवा देती हूँ। श्रिंग ब्लिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। तू
पागल है क्या? मुझे क्यों थप्पड़ मारे? मैं तो पार्क में माफी मांग लिया, तू बार बार मुझे मारते हो, पागल है तू क्या? हाँ वो तो पता है, पर मैं मान नहीं रही हूँ। पर हमने अभी फिर से मारे यार, मैं खुद नहीं मार रही, पता नहीं क्यों अपना भी चाटे पे चाटे लग रहे हैं तुझे। मैं अपने हाथ को रोक रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी ना सबरीना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब मत करो, वो छोटे बच्चे हैं। तुम यहाँ पर भी आ गई सोन परी, मेरा पीछा छोड़ दो क्या? तुम जब मेरे पीछे पड़ती रहती हो, लड़ाई रुको इनकी। अरे तुम जानती नहीं हो, ये बच्चे नहीं है, ये भी मेरी तरह शैतान है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अभी यकीन दिला देती हूँ। देखो तुम श्रिंग ब्लिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, सच सच बोले ये दोनों बच्चे श्रिंग ब्लिंग। बदबूदार कहे कि तेरे मुंह से इतना बदबू आता है, एक दिन ब्रश नहीं करते तू, नहाते तो साल पे भी नहीं, इतने बदबू आता है, इतने बदबू आता है तुमसे। 10 मीटर दूर भी कराओ जाओ फिर भी इतना बदबू आ रहा है तेरे से। पागल कहे की चुड़ैल शक्ल देख, इसकी बंदरिया कहे की शक्ल, तेरे तो बंदर जैसे ही है। कौवे कहे के ऐसे लगते है कि मुंह में ब्रश नहीं हटती है। कुत्ता कहेगा इसका मतलब तूने जो बोला दिल से बोला, तू मेरे बारे में ये सोचता है। अरे यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ, सच में मैं बोलना नहीं चाहता इतना सच। 2 रुपए की पेप्सी, तेरे शक्ल है टैक्सी। कुत्ता कहेगा सांड की शक्ल का, सुअर कहीं का, मैंने कभी बोला तो सांड जैसे दिखता है, पर तू है ना, नाक के बाल देखो जैसे किसी चिमकांडी के बाल हो। मैंने बोला कुत्ते निकल रहा है, जब देखो जब भी सांस लेता है ऐसा लगता है कुत्ता सांस ले रहा है मेरे मुंह के आगे। मन तो करता है जब भी मुंह खोले घूंसड़ मार दूं। क्या बोल रही मैं? अच्छा तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो क्या? माँ मैं सच तो बोल रही थी पर बोलना नहीं चाहती थी, खुद ही निकल गया बताने कैसे। देखा तुमने, देखो कैसे लड़ रहे हैं। सबीना मैं कहती हूँ ना कि तुम बच्चों को ठीक करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बच्चे नहीं है, ये शैतान है। तुमने देखा ना इनके अंदर कितना बड़ा सच था, एक दूसरे की कितनी बुराइयां कर रहे हैं, और देखो सामने सामने कितने अच्छे बनते हैं। यही तो है, इंसान तो शैतान से भी बुरा है। यहाँ पर तुम तो ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। माफ करना परी माँ, मुझे बच्चों को अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये जो इतना आतंक मचा रहे ये रुकेंगे ही नहीं। इतू इतू चिंपजूदा। बच्चों रुक जाओ, बहुत देर से लड़े जा रहे हो, तुम मत लड़ो। परी अब सचमुच की परी हो? मैंने कभी नहीं देखी, अब वही टीवी वाली परी हो जो मैं देखती हूँ, सोन परी। देखो आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। वही है ये। हाँ मैं आ गई सोन परी, सचमुच में परी है ये। माय गॉड, मैं अभी जाके इसको चुप के आता हूँ कि बाल खींचूंगा। हाँ चल चल, देख देख असली है कि नकली, असली लग रही है। सोन परी, क्या आप सचमुच की रियल परी हो? हाँ सचमुच की रियल परी हूँ। क्या मैं आपका ये पैंट छू सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर छू सकते हो। तो तुम कब से लड़े जा रहे थे? तुम्हें मना कर रही थी ना मत लड़ो, तुम्हारी लड़ाई और कोई नहीं, ये सबरीना चुड़ैल करवा रही थी। अरे सुन परी, आपको देख के हम दोनों रुक गए ना अब। अरे मुझे भी अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। बता लो की रानी, मुझे शक्ति दो श्रिंक ब्लिंग।
चुड़ैल है यहाँ पे तो। अरे सचमुच में ये सबरीना चुड़ैल है। क्या आप सचमुच की चुड़ैल हो? क्या मैं आपका ये खूनी दांत चू सकता हूँ? मजा से छू के दिखा, इसी खूनी दांत से तुझे कच्चा चबा डालूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी चुड़ैल है मम्मी, बताओ। यार तूने देखा, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, दांत देखिए इसकी। मैं क्या कह रही थी सबरीना, बच्चों को तंग करना बंद करो, वो छोटे बच्चे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इनकी लड़ाई बंद करो, अब वो नहीं लड़ेंगे। लड़ो तुम दोनों, नहीं तो छड़ी से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लड़ो। हम नहीं लड़ेंगे, हम परी माँ के साथ है। तुम्हारी लड़ाई जब मुझसे है तो मुझसे बात करो ना, क्यों बार बार बच्चों को बीच में लेकर आती हो? इन बच्चों को तो मैं बाद में देखूंगी। तुझे बहुत मरने का शौक है ना सोनपरी, चल तेरे साथ लड़ती हूँ। बता क्या करूं तेरे साथ? हिम्मत है तो चलो कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा वो बच्चों को छोड़ देगा। अगर मैं जीती तो मैं जो चाहूँ बच्चों के साथ करूंगी, अगर तुम हारी तो तुम बच्चों को अकेला छोड़ दोगी, समझी? चलो ये भी सही है, अगर मैं जीती तो फिर ये बच्चे मेरे हवाले, तुम्हारा जो हश्र करूंगी तुम सोच भी नहीं पाओगे, और अगर मैं हारी तो जैसा तू कहेगी सोनपरी वैसा मैं करूंगी, मुझे मंजूर है। सोनपरी बच्चो बच्चो तुम डरो मत, सबरीना है ये, इसे मैंने काफी बार हराया है, पहले पाताल लोक में, नर्क में, हेवन में भी, और आज पृथ्वी पे भी हराऊंगी, मैं जानती हूँ अपनी ताकत को। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सोनपरी है ना तुम्हारे साथ। मैं आप पे विश्वास है सोनपरी। हाँ सोनपरी। चलो मिलते हैं फिर मैदान में। तो चलो अब मिलते हैं मैदान में। शू शिंग ब्लिंग। अब देख सबरीना कैसे तेरी छुट्टी करती हूँ मैं, और बच्चों को रुलाना आता ना, अब देख तुझे कैसे रुलाऊंगी। सोनपरी सोनपरी मुझे छोड़ूंगी नहीं मैं अब सोनपरी। छिंग ब्लिंग सर्वलिंग भविष्य वर्तमान बदलिंग। सबरीना कुछ नहीं हुआ मुझे बच्चों, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। इस सबरीना को तो अभी मैं बताऊंगी, दिन में इसको तारे दिखाऊंगी। इत्तु बित्तु छिंपतूता। देखो देखो कैसे डांस कर रही है, तुम्हें बहुत नचाया ना सबरीना ने, अब देखो मैं इसको अपनी छड़ी से कैसे नचा रही हूँ। देखो कैसी मासूम सी सोन पर ही कैद हो गई है, मुझे परे बना दिया। अरे सोन पर ही बेचारा, देखो देखो मेरी छोटी सोन पर ही कैसे जम गई है, हिल भी नहीं पा रही। तुम्हारी सोन पर ही अब नहीं बचेगी बच्चों, क्योंकि वो अब मेरे हाथों है। परी माँ मेरी मदद करो, ये कैसे हो गया तो नामुमकिन है, अभी बता दियो तुम्हें। इतो बिता छिपदूता। सोन परी मुझे नीचे उतार। तो सबरीना चुड़ैल ऊपर की हवा कैसी लग रही है, ठंडी या गरम?
ऐसे ऊपर पहुँचते पहुँचते तुम पाताल लोक पहुँच जाओगी। हवा का तापमान तो तुझे नीचे आके बताऊंगी, पहले तो मुझे नीचे बता। मुझे इसमें मुझे मेरी मलिका याद दिलाती, तू नीचे उतार मुझे। तुझे देखो मेरे हवा में उड़ रही है। हाँ बेचारी, अब तो देख तूने मुझसे पंगा लिया है सोन परी। ऐसा कौन सा जादू इस्तेमाल करने वाली हो तुम? श्रिंग ब्लिंग सर्वरे भूत भविष्य वर्तमान बदले। तुमने मुझे इस बोतल पे कैद कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे कुछ नहीं होगा बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा। सब्रीना मुझे बाहर निकाल इस बोतल से। बच्चों तुम तो गए। नहीं।